नमस्ते दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए समर स्पेशल वाटरमेलन मिल्कशेक की रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही इजी है और ये बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बहुत ही टेस्टी बनके तैयार हो जाता है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं और आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे कि जो नोटिफिकेशंस है जब भी हम लोग वीडियोस अपलोड करेंगे तो आप तक बहुत ही जल्दी पहुंचेगी। तो चलिए इजी सी वाटरमेलन मिल्कशेक की रेसिपी बनाना सीखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको एक मिक्सर ग्राइंडर का जार लेना है और जार के अंदर मैंने यहाँ पर एक वाटरमेलन को हाफ कट कर लिया था और हाफ वाटरमेलन को भी छोटे छोटे पीसेस में कट करके इस जार में हमें ट्रांसफ़र कर देना है। साथ ही मैंने एक बड़ा चम्मच चीनी डाला है। अब हम इसमें डालेंगे रोज़ सिरप, आप चाहे तो उसमें रूह अफ़ज़ा भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बड़ा चम्मच रोज़ सिरप डाला है और साथ ही मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ कुछ आइस क्यूब्स। आइस क्यूब्स डालने के बाद हम यहाँ पर दूध डालेंगे, तो मैंने यहाँ पर एक कप दूध डाला है और साथ ही में हम यहाँ पे कुछ वेनिला आइसक्रीम भी डालेंगे। अब बस हम इसे मिक्सर ग्राइंडर में इस जार को फिट करेंगे और कुछ सेकेंड्स के लिए इसे ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंड करने के बाद जो इसका कलर है वो थोड़ा सा पीच या पिंक जैसा आ जाएगा, बहुत ही सुंदर सा। तो ग्लास में पोर करने से पहले मैं यहाँ पर रोज सिरप थोड़ा सा लगा रही हूँ और उसके बाद अब हम यहाँ डालेंगे थोड़े से वाटरमेलन के छोटे छोटे टुकड़े और जो भी चीज़ें हमने ब्लेंड की थी वो हम डायरेक्टली जार में से इस ग्लास में पोर करेंगे। जार में आपको थोड़ा सा झाग जैसा ऐसा कुछ दिखेगा, तो मैं इसे भी स्पून की हेल्प से थोड़ा सा ऊपर रख दे रही हूँ ताकि ये देखने में भी काफ़ी सुंदर लगे। अब मैं यहाँ पे एक स्कूप आइसक्रीम का फिर से डाल रही हूँ जो कि वेनिला आइसक्रीम है और यहाँ पर फिर हम कुछ छोटे पीसेस वाटरमेलन के ऐड करेंगे, डेकोरेट करेंगे। गार्निशिंग के लिए आप इस पर रोज सिरप से भी डेकोरेशन कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं ये हमारा वाटरमेलन मिल्कशेक बहुत ही इजीली बनकर बिल्कुल रेडी है। आप इसे घर में ज़रूर ट्राई करें, मुझे ज़रूर बताएं कि आपको लगी कैसे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।